एंजल क्या कर रही है? अरे वो साफ सफाई से कर रही थी। अरे वो मैं ये कह रहा था मेरे लिए खाना ला दे, मुझे बाहर जाना किसी काम से। अरे यार मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा। एक काम करो, तुम खुद भी तो खाना ले सकते हो ना जाके। वैसे मैंने खाना बना दिया है, आप जाके खा सकते हो। अरे यार ला रही है तो लिया खाना, मुझे वैसे ही देर हो रही है। एक काम करो, भाभी से बोल दो खाने के लिए, वो तुम्हें खाना दे देंगी। मैं थोड़ा साफ सफाई कर लूँ इधर। हाँ हाँ ठीक है, तू ना देने की खाना, तू अपना काम कर ले, भाभी से ले लेता हूँ मैं। ठीक है आप भाभी से ले लो, मैं काम कर लेती हूँ। हाँ जी सब ठीक है घर में? हाँ यहाँ पर भी सब ठीक है। आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू ठीक है ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ घर पे भी सब ठीक है। और मैं ये कह रही थी आपसे, आप जल्दी आ जाओ ना जी, मन नहीं लगता आपके बिना, बहुत याद आती है आपकी। चल कोई बात नहीं, बस एक महीने की बात हो रही है, फिर आ जाऊँगा। आप ऐसे ही बोलते रहते हो, एक महीने की बात है और दो दो तीन तीन महीनों में आते हो, पता है आपको? वहाँ पे क्यों मन नहीं लग रहा तेरा? कोई कुछ कहता है क्या? निशांत की वो कुछ कहती तो नहीं है? नहीं नहीं वो मुझे क्यों कहेंगे, वो तो अच्छे हैं। और वैसे भी वो अपने काम में लगी रहती है और निशांत अपने काम पे चला जाता है। बस आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। चल तो ठीक है, मैं आता हूँ अगले महीने आता हूँ, ठीक है ना? ठीक है ओके। भाभी मैं कह रहा मुझे खाना दे देती, मुझे किसी काम से बाहर जाना। अच्छा वैसे एंजल क्या कर रही है? एंजल बाहर साफ सफाई कर रही है। ठीक है तो आप चल के बैठो, मैं लेके आती हूँ खाना। ठीक है। यार तो भाभी कितनी परेशान रहती है, लगता भाभी भैया से बात कर रही थी। और क्या कह रही थी कि तुम्हारी कमी कौन पूरी कर सकता है? और भाभी एक बार हमसे तो पहले देखो, हम करेंगे तुम्हारी कमी पूरी। लगती बड़ी प्यारी है वैसे। अरे यार भाभी से कैसे बात करूँ, और वैसे भी भैया तो आते हैं तीन तीन चार चार महीने में, भाभी से कैसे बात करूँ जो भाभी मुझे एक बार नहीं उठाता। अगर भाभी ने हाँ कर दिया ना तो मज़ा आ जाएगा। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर बैठ जाता हूँ, भाभी खाना भी तो ला रही होगी, और पता ना क्या सोचने लगे कि कमरे में बैठ कर क्या कर रहा हूँ। अरे भाभी ले आओ खाना, अब तो बहुत देर हो गई। लाई क्या बनाया भाभी वैसे? अरे मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई। अच्छा और कुछ चाहिए आपको? ना ना भाभी और नहीं चाहिए कुछ। खाना तो बहुत बढ़िया बनाया भाभी आपने, मेरा जी तो ऐसा कर रहा कि आप पे हाथों को चूम लूं। निशान ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी मैं जो कर रहा हूँ सही तो कर रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ? मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई तुम्हारी। भाभी एक बात बताओ, आखिरकार तुम मेरी भाभी हो, और भाभी होने के नाते मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं चूम सकता। निशान आज तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, पहले तो नहीं करी तुमने कभी ये बातें? अरे भाभी पहले नहीं करी तो आज तो कर रहा हूँ ना, और वैसे भी खाना तो आज तुमने बहुत टेस्टी बनाया ही है, कम से कम हमारे पास तो बैठो। निशांत अपनी हद में रहो। भैया कमी पूरी ना कर पा रहे तो हम तो करेंगे, हम तो हैं अभी,
एंजल एंजल, अरे एक गिलास पानी ले आइयो। ये सुन क्यों ना रही? भाभी भाभी, क्या बात है, कोई भी ना सुनना आज तो। लगता है घर में ना है ये। एक बार कमरे में देख लूं। अरे एंजल भी ना है कमरे में, ना भाभी है। एक काम करता हूँ, छत पे ही देख के आता हूँ। छत पे ही घूम रही होंगी ये दोनों। छत पे तो भाभी है, एंजल भी ना छत पे। एक काम करता हूँ, आज पकड़ ही लेता हूँ जाके। निशांत, ये क्या कर रहे हो तुम? भाभी तुम, वो मुझे लगा था कि एंजल है। अच्छा, तुम्हें एंजल में मुझ पे कोई फर्क नजर नहीं आता? झूठ बोल रहे हो ना तुम? अरे भाभी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे शौक है कोई झूठ बोलने का। और एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ भी लिया तो क्या हुआ? आखिर भाभी हो तुम मेरी। निशांत, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो और मेरे बारे में ऐसा सोच भी रहे हो। निशांत, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, और अगर तुमने दोबारा मेरे साथ में हरकत की ना तो मैं एंजल को बता दूंगी। और पता है, तुमने आज दोपहर जब मैंने तुम्हें खाना दिया था, तुमने जब भी मुझसे उल्टी बात की थी। अरे भाभी, एंजल ने बता के क्या कर लोगी तुम? कोई फायदा नहीं होगा उसे बता के। तो ठीक है, तुम्हारे भैया से बात करूंगी इस बारे में। भैया को बताना? बताओ, शौक से बताओ भैया को। भैया सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनेंगे। अगर मैंने भैया से तुम्हारे बारे में कुछ झूठ भी बोल दिया ना, तो भैया सिर्फ और सिर्फ फिर भी मेरे ऊपर ही भरोसा करेंगे। भैया को बता के भी कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा, आखिर वो मेरा भाई है। तुम ही इस घर से निकलोगी। और भाभी, अब तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और भैया का क्या, भैया तो तीन तीन चार चार महीने में आते हैं, इसलिए कह रहा हूँ भाभी मैं तुमसे, तुम भी खुश और मैं भी खुश, और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम एक बार मेरे पास तो आओ। निशांत, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छूने की? चलो भाभी, ऐसे ना ऐसे, तुमने मुझे आखिर छुआ तो सही, मतलब अब भी तुम्हारी हाँ नहीं है। निशांत, तुम इतने गिरी हुई हरकत करोगे? और मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे इंसान समझती थी, तुम मेरे बारे में ऐसे सोचते हो? अरे निशांत, शर्म तो करो, तुम्हारे भैया इतने अच्छे इंसान है और तुम इतने निहायत ही गंदे इंसान हो। अरे भाभी, मेरी बात मान तो जाओ, ऐसे चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ निशांत। भाभी, अब तो मैं जा रहा हूँ, अगर कभी और मौका मिला ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने इसकी वाइफ को बता भी दिया क्या वो मुझको भरोसा करेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, किससे बोलूँ? आज भाभी ने मेरा चांटा मारा, भूलूंगा नहीं मैं इस चांटे को कभी भी। ये किसकी ना पता एंजल की, ये कहाँ चली गई, जल आई ना अभी तक। आ जाने आज इसे, आज बताऊंगा। कैसे बैठे हो? कुछ ना, ऐसे ही बैठा। कहाँ गई थी तू? अरे वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी, मानू के यहाँ पे ऐसे ही। अरे कौन सी फ्रेंड आ गई अब तेरी? अरे वो नहीं थी अन्नू, इसका पास में घर है। अच्छा, वो किस काम के लिए गई थी? वो सूट नहीं लेकर आई थी मैं उस दिन, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, उसे चेंज करने गई थी। कर दिया चेंज फिर? नहीं, टाइम ज्यादा हो रहा था ना, तो उसे अनु के घर ही रखी आई थी। अनु कहने लगी ना कल चलते हैं। चल ठीक है, कल चली जियो फिर। ये बताओ दीदी कहाँ है? भाभी अंदर ही होंगी, अंदर देख ले जाके।
ठीक है मैं जाती हूँ। अरे दीदी आप रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं अंजल कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। ऐसे बात तो नहीं है, वरना आप कभी ऐसे रोती नहीं हो। अरे नहीं नहीं वो ना तेरे जेठ जी की याद आ रही थी मुझे, इसलिए आंखों से आंसू आ गए। और ये तो बता तू कहाँ गई थी? अरे दीदी वो जो मेरी फ्रेंड है ना पास में ही, उसका किसी काम से अचानक से फोन आ गया था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मैं आपको बताती भी तो आप छत पे चले गए थे, इसलिए फिर मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं अंजल। और आप ना ऐसे रो मत ना, अगर भैया की इतनी याद आ रही है ना तो उनको बुला लो ना घर पे ही। अरे उनसे मेरी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि मैं अगले महीने तक आऊंगा। अच्छा तो इसमें रोने वाली तो कोई बात ही नहीं है फिर। पता है क्या होता है अंजल, याद आती है ना तो खुद ब खुद उदास आ जाते हैं। हाँ दीदी ये तो आप सही कह रहे हैं, पर मैं हूँ ना यहाँ पे आपका मन लगाने के लिए। हाँ अंजल तू तो है यार। कहाँ चल दी अब तू? अरे वो मैंने बताया तो था अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है मुझे अन्नू के, कल सूट चेंज करना था ना मुझे, फिर हम लेट हो गए थे। अरे तो इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी, मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए तो बना दे। अरे अन्नू ने बोला था कि टाइम से आ जाना, जल्दी चेंज करके आ जाएंगे घर पे। तो खाना बनाना भी तो जरूरी है, खाना बना दे और चली जा। खाना दीदी से ले लेना, मैं अभी जा रही हूँ। चल ठीक है जा। ठीक है। चल ये तो चली गई, आज नहीं छोड़ूंगा भाभी, आज तो पकड़ लूँ, आज इससे चाटे का बदला ले लूँ। और ये भी सही टाइम पर चली गई आज। भाभी भाभी इधर आओ। हाँ बोल क्या हुआ? भाभी तुमने मेरे उस दिन चाटा मारा था ना? हाँ तो मारा था। तो भाभी चाटे का बदला तो आज मैं लेके रहूंगा, और वैसे भी आज तो एंजल भी नहीं है घर पर। तेरी इतनी हिम्मत? और क्या ना। निशान निशान छोड़ो भाभी, निशान छोड़ो मुझे, मैंने कह दिया ना आज तो तुमसे बदला लेके। निशान की क्या कर रहे हो तुम? निशान छोड़ो मुझे, निशान ये क्या हो रहा है, ये सब क्या है? एंजल तुमने देखा नहीं क्या कर रहा था मेरे साथ में? और कल तो पूछ रही थी ना मुझसे कि दीदी तुम क्यों रो रही हो, तो सुन ये मेरे साथ में बदतमीजी करता है। और जब मैंने इससे बोला कि तेरे भैया को बता दूंगी, तो इसने मुझे बोला कि भैया को बता के कोई फायदा नहीं है, उल्टा मैं तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगा। इस कारण मैंने अपने मुंह को बंद रखा, और उसने आज फिर मेरे साथ बदतमीजी करी। और आज तुमने देख लिया ना अपनी आंखों से, वो तो अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पे आ गई। अरे एंजल तू किसकी बात सुन रही है, ये एक नंबर की बदतमीज भाभी है। और हाँ मैं इससे कोई चुपट नहीं रहा था, उल्टा ये ही चुपट रही थी मेरे। और तो और ये तो ये भी कह रही थी कि तेरे भैया तो है नहीं घर में, मेरा देवर ही सही मेरा ख्याल रखने के लिए। निशान एकदम चुप हो जाओ तुम, सब देख लिया मैंने आज अपनी आंखों से कि तुम कर क्या रहे थे। भाभी आप रो मत ना, वो तो अच्छा हुआ कि मैं फोन अपने घर पे भूल गई थी, मैं फोन के बहाने आ गई, पता नहीं आज ये तुम्हारे साथ क्या करता। और मुझे तो लगता भी नहीं है इसकी शिकल देख के कि इतना घटिया इंसान है। आप टेंशन ना लो मैं हूँ आपके साथ। आप बिल्कुल चिंता मत करो मैं हूँ आपके पास। अरे मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ तू इसके चक्कर में मत पड़े, मुझे पता है ये कितनी बदतमीज भाभी है। निशान बहुत हो गया तुम्हारा, कब से सुने जा रही हूँ मैं तुम्हारी। बस भाभी या तो अब इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगी, आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है ये कितना घटिया इंसान है। निशान तुम क्या इस घर से भाभी को निकालोगे, आज हम ही इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, और हाँ साथ में तुम्हें भी छोड़ के जा रही हूँ मैं। चलो भाभी चलते हैं। एंजल तू इस घर को छोड़ के क्यों जा रही है, आखिर क्यों कर रही है तू मेरे साथ ऐसा? एंजल मुझे माफ कर दे, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है ना तो मुझसे नहीं भाभी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगो जो तुमने इनके साथ हरकत की है। और हाँ तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के तुम्हें फिर भी जाऊंगी। एंजल मैं कह तो रहा हूँ मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दो,
मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं निशांत, हो जाती है गलती। एंजल तू मेरी वजह से अपना घर क्यों बर्बाद कर रही है? और कोई बात नहीं, इससे अगर छोटी मोटी गलती हो भी गई तो क्या हुआ, समझ जाएगा। अगर इसकी आंखों में थोड़ी भी शर्म हुई ना तो आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा ये। देखा, तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बाद भी भाभी ने तुम्हें एक पल में माफ कर दिया। एंजल मैं कह तो रहा हूँ, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, भाभी मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है निशांत, तुम आगे से सही चलना। ठीक है भाभी।